पिज़्ज़ा देखकर सभी के मुंह में पानी आ जाता है और चाहे वो बच्चे हो या बड़े, पिज़्ज़ा सभी को पसंद आता है। तो आज हम बिना मैदे के बड़ी ही आसानी से ये पिज़्ज़ा कुकर में बनाकर तैयार करेंगे। बहुत ही आसान सी रेसिपी है, तो आइए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले हम बनाएंगे पिज़्ज़ा डो। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर एक कप वार्म वाटर लिया है, ल्यूकवार्म वाटर है, हल्का सा गुनगुना पानी है। उसमें एक टेबलस्पून चीनी डालकर मैंने अच्छे से मिला लिया है। चीनी थोड़ी सी घुल गई है तो अब हम इसमें ऐड करेंगे ईस्ट। तो यहाँ मैंने एक टीस्पून एक्टिव ड्राई ईस्ट डाल दिया है। पहले हम ईस्ट को एक्टिवेट करेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि ईस्ट अच्छे से एक्टिवेट हो जाए। जब ईस्ट एक्टिवेट हो जाएगा ना तो ये एकदम झाग जैसा हो जाएगा। तो ये देखिए 15 मिनट्स के बाद ईस्ट एक्टिवेट हो चुका है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 कप गेहूँ का आटा और 1 टीस्पून के लगभग इसमें नमक ऐड कर दूंगी और अच्छे से मिक्स कर लेंगे सारी चीज़ों को। नमक यहाँ पे लास्ट में ऐड करना है, नहीं तो जो हमारा ईस्ट है ना ठीक से एक्टिवेट नहीं हो पाएगा। आप यहाँ पे एक्टिव ड्राई ईस्ट की जगह इंस्टेंट ईस्ट भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इंस्टेंट ईस्ट को हमें एक्टिवेट करने की ज़रूरत नहीं है, इसको डायरेक्टली हम डालकर डो बना सकते हैं। तो ये देखिए अब हाथों से अच्छे से डो को नीड करना है। तो यहाँ पर डो थोड़ा सा ड्राई लग रहा है तो इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा पानी। तो यहाँ 2 से 3 टेबलस्पून के लगभग मैंने पानी ऐड कर दिया है और अब अच्छे से हमें नीड करना है डो को और एकदम सॉफ्ट और स्मूथ सा डो तैयार करना है। तो अब इसी स्टेज पर हम इसमें ऐड कर देंगे 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल। ऑयल की जगह यहाँ पे आप बटर भी ऐड कर सकते हैं और अब अच्छे से इसको नीड करना है 2 से 3 मिनट के लिए ताकि हमारा जो ये डो है एकदम स्मूथ हो जाए। तो यहाँ पर मैंने अच्छे से नीड कर लिया है डो को और आप देख सकते हैं कितने अच्छे से ये हमारा स्मूथ सा डो तैयार हो गया है। तो अब हम क्या करेंगे, इस डो के ऊपर थोड़ा सा ऑयल स्प्रेड कर देंगे और इसको हम करीब 1 घंटे के लिए छोड़ देंगे ताकि डो अच्छे से राइज हो जाए। तो अच्छे से मैंने ऑयल को चारों तरफ डो के स्प्रेड कर दिया है और इस तरह से एक बॉल बना लेंगे। अब डो को ढककर हम 1 घंटे के लिए छोड़ देंगे ताकि डो अच्छे से फूल जाए और 1 घंटे में हमारा जो डो है ना ये राइज होकर डबल हो जाएगा। अब हम तैयार कर लेंगे होममेड पिज़्ज़ा सॉस। तो यहाँ पर मैंने 5 मीडियम साइज़ के टमाटर ले लिए हैं। टमाटर को रफली चॉप करके मैंने ब्लेंडर जार में डाल दिया है। अब इसको ब्लेंड करके इसकी फ़ाइन प्यूरी बना लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने टमाटर को अच्छे से ब्लेंड कर लिया है, फ़ाइन प्यूरी बनकर तैयार हो गई है। तो अब हम इसको साइड में रख देते हैं और अब एक कढ़ाई में हम गर्म करेंगे 3 से 4 टेबलस्पून ऑयल। यहाँ पर मैंने नॉर्मल ऑयल यूज़ किया है, आप चाहें तो यहाँ पर ऑलिव ऑयल भी ले सकते हैं। और थोड़ा सा ऑयल गर्म हो जाए तो इसमें ऐड करेंगे हम 1 टेबलस्पून के लगभग ग्रेट किया हुआ गार्लिक, 1/2 टीस्पून इसमें हम ऐड करेंगे कश्मीरी रेड चिली पाउडर और 1 टीस्पून ऐड करेंगे पिज़्ज़ा सीजनिंग। और अब अच्छे से इसको मिला लेंगे और लो फ्लेम पर कुछ सेकंड के लिए भून लेंगे। ज़्यादा भूनना नहीं तो जो हमने गार्लिक ऐड किया था ना वो जल जाएगा। तो हल्का सा भून लेंगे और उसके बाद हम इसमें टोमेटो प्यूरी ऐड कर देंगे और अब अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो इस रेसिपी की यही खास बात है कि इसमें हम पिज़्ज़ा सॉस भी घर पे बना के तैयार करेंगे और बहुत ही आसानी से। अब टोमेटो प्यूरी को हमें पकाना है तो फ्लेम हम यहाँ पे मीडियम कर देंगे। इसमें थोड़ा सा स्वाद के अकॉर्डिंगली नमक ऐड कर देंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब इसको ढककर हमें पकने देना है। और मीडियम फ्लेम पर हम टोमेटो प्यूरी को तब तक पकाएंगे जब तक इसमें से ऑयल अलग ना होने लग जाए। तो अब इसको हम ढक देते हैं और मीडियम फ्लेम पर इसको पकने देंगे। बीच बीच में इसको चला लेना है ताकि जो टमाटर है वो जल ना जाए नीचे से। ये देखिए करीब 10 मिनट के बाद अच्छे से जो प्यूरी है वो पक गई है टमाटर की और बहुत ही अच्छा सा कलर आ गया है। यहाँ मैंने रेड वाले टमाटो लिए थे, इससे कलर बहुत अच्छा आता है पिज़्ज़ा सॉस का। तो हमेशा एकदम ब्राइट रेड वाले टमाटो लीजिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा पिज़्ज़ा सॉस एकदम रेडी है, इसमें से ऑयल अलग होने लगा है। इसी से पता चलता है कि हमारे जो टमाटो हैं अच्छे से पक गए हैं और पिज़्ज़ा सॉस हमारा रेडी हो गया है। अब हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और पिज़्ज़ा सॉस को ठंडा होने देंगे। आप ऐसे पिज़्ज़ा सॉस बना करके एक एयरटाइट कंटेनर में रखकर फ्रिज में स्टोर भी कर सकते हैं। 1 वीक तक आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ये ख़राब नहीं होगा। अब हम चलते हैं डो की तरफ। तो आप देख सकते हैं डो यहाँ पे राइज हो गया है और एकदम डबल हो गया है फूल करके। तो इसको हम पंच करेंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना बढ़िया जालीदार डो बनकर तैयार हुआ है। तो अब अच्छे से इसको हमें एक बार फिर से नीट करना है। तो आटे को हम एक फ्लैट सरफेस पर रख लेंगे और थोड़ा सा आटा डस्ट करके इसको हम नीट कर लेंगे इस तरीके से। और अब हम आटे को डिवाइड करेंगे 3 पोर्शंस में। 3 से 4 हमारे पिज़्ज़ा तैयार हो जाते हैं इतने डो से। तो ये देखिए 3 पोर्शंस में मैंने डो को डिवाइड कर लिया है और अब इनके बॉल्स बनाकर हम रख लेंगे। बहुत ही सॉफ्ट और बढ़िया डो हमारा बनकर तैयार हुआ है। तो ये देखिए डो के बॉल्स बनाकर रख लिए हैं मैंने। अब हम क्या करेंगे, कुकर को हम प्रीहीट करने के लिए रखेंगे। तो कुकर को मैंने गैस पर रख दिया है। इसमें हम ऐड करेंगे 1
कप के लगभग नमक, जो नॉर्मल नमक हम यूज़ करते हैं ना, प्लेन नमक, वही नमक हमें यहाँ पे डालना है, वाइट वाला। और नमक को अच्छे से स्प्रेड कर लेना है कुकर के चारों तरफ, ये देखिए इस तरीके से। और अब हम फ्लेम ऑन कर देंगे और कुकर को गर्म होने देंगे। फ्लेम हम रखेंगे लो मीडियम फ्लेम पर, और ये देखिए इसको ढक देंगे। ढकने के समय हमें ध्यान रखना है कि कुकर का जो ढक्कन है, उसका जो रबर का गैस्केट होता है ना, उसे हमें निकाल लेना है, और कुकर का जो विसिल है उसको भी निकाल लेना है। और अब इसको ढक करके हम लो मीडियम फ्लेम पर गर्म होने देंगे, और इतने देर में हम तैयार कर लेंगे अपना पिज़्ज़ा। तो ये देखिए हमने जो बॉल बना कर रखा था डो का, उस पर थोड़ा सा आटा डस्ट कर लेंगे और इसको इस तरीके से स्प्रेड करेंगे। तो आप चाहें तो इसको उंगलियों की मदद से भी स्प्रेड कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा इसको रोलर की मदद से रोल कर लूँगी ताकि चारों तरफ इवेनली ये रोल हो जाए। ये देखिए इस तरीके से जैसे हम रोटी बनाते हैं, बिल्कुल वैसे ही हमें इसको रोल करना है, और रोटी से थोड़ा सा थिक हमें इसको रोल करना है। जो रोटी का साइज़ होता है ना, उससे थोड़ा बड़ा हमें इसको रोल करना है। तो ये देखिए मैंने इसको अच्छे से रोल कर लिया। आप देख सकते हैं कितना सॉफ्ट सा आटा है, और इस तरह से मैंने इसको रोल किया है, और आप देख सकते हैं इसकी थिकनेस मैंने कुछ इतनी रखी है। तो हमारा पिज़्ज़ा का जो ये बेस है ना, ये तैयार हो गया। आप देख सकते हैं इसकी थिकनेस। तो अब हम क्या करेंगे, पिज़्ज़ा का जो ये बेस है ना, उसको हम एक प्लेट में रख लेंगे। आपके पास अगर प्लेट हो तो प्लेट में रख सकते हैं। मेरे पास इस तरह की एक जाली है जिस पर पिज़्ज़ा को बेक किया जाता है, तो इसी पे मैं इस बेस को रखूँगी। इसको मैंने ग्रीस कर लिया है, और अब इस बेस को हम इस जाली के ऊपर रखेंगे। अब जाली की जगह प्लेट का भी यूज़ कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप जाली का ही यूज़ करें। ये जो बेस मैंने बनाया है, ये इस जाली से थोड़ा सा बड़ा बनाया है। और अब हम क्या करेंगे, बेस का साइड वाला पोर्शन है ना, इसको इस तरह से फोल्ड कर देंगे। ये देखिए, इसीलिए मैंने बेस को थोड़ा सा बड़ा बनाया था, और इस तरह से इसको साइड से फोल्ड कर देना है। इससे एकदम मार्केट वाला पिज़्ज़ा का लुक आ जाएगा, ये देखिए। और जो हमारा चीज़ है ना, जब मेल्ट होगा तो वो साइड से गिरेगा भी नहीं। अगर आप ऐसे फोल्ड नहीं करेंगे ना, तो क्या होगा कि चीज़ जो है वो साइड से मेल्ट होकर के गिरने लग जाता है, और कुकर भी पूरा गंदा हो जाता है। इसलिए इस तरीके से बनाइएगा तो बहुत ही आसानी से बन जाएगा, और चीज़ हमारा साइड से ओवरफ्लो भी नहीं होगा। अब हम क्या करेंगे, एक फोर्क की मदद से थोड़ा सा इस तरह से पोक कर देंगे। अगर पोक नहीं करेंगे तो क्या होगा ना, कि ये बेस है ना, ये रोटी की तरह फूलना शुरू हो जाएगा, और हमारा पिज़्ज़ा अच्छा नहीं बनेगा। अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर थोड़ा सा बटर स्प्रेड कर लेंगे, और इसके बाद हम इसमें डालेंगे पिज़्ज़ा सॉस जो हमने घर पर तैयार किया था। ये देखिए कितना बढ़िया पिज़्ज़ा सॉस हमारा बना है। 2 से 3 टेबलस्पून के लगभग पिज़्ज़ा सॉस डालेंगे, और अच्छे से इसको स्प्रेड कर लेंगे बेस के ऊपर। और अब इसके ऊपर हम डालेंगे थोड़ा सा बारीक कटा हुआ ऑनियन। इस पे आप चाहें तो अपनी पसंद के कोई भी वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हैं, जो भी टॉपिंग्स आपको पसंद है पिज़्ज़ा के ऊपर आप डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सिंपल टॉपिंग्स यूज़ कर रही हूँ, जैसे कि ऑनियन, स्वीट कॉर्न्स एंड कैप्सिकम। तो ये देखिए मैंने स्वीट कॉर्न्स भी डाले हैं। आप यहाँ पे पनीर ऐड कर सकते हैं, या फिर बेबी कॉर्न्स ऐड कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। थोड़ा सा इस पे हम मोज़रेला चीज़ डालेंगे, जो पिज़्ज़ा चीज़ होता है ना, उसको ग्रेट करके डाल देंगे। और अब हम इसके ऊपर डालेंगे थोड़े से कैप्सिकम के पीसेस। तो आप देख सकते हैं हमारा जो पिज़्ज़ा है अभी से कितना सुंदर लग रहा है देखने में। और कैप्सिकम के पीसेस डालने के बाद इसके ऊपर एक बार और हम मोज़रेला चीज़ को ग्रेट करके ऐड कर देंगे इस तरीके से। तो ये देखिए कितना बढ़िया हमारा ये पिज़्ज़ा बना है। तो अब हम इसको बेक करने के लिए रखेंगे। बिल्कुल तैयार है हमारा पिज़्ज़ा बेक करने के लिए, और उधर हमारा कुकर भी जो है वो प्रीहीट होकर तैयार हो गया है, ये एकदम गर्म हो गया है। तो इसको बड़ी सावधानी से, बहुत ही केयरफुली हैंडल करना है इसको, क्योंकि कुकर बहुत ज़्यादा गर्म है। तो अब हम फ्लेम लो कर देंगे, और कुकर के बीचों बीच हम एक ऐसे कटोरी रख देंगे, या फिर आपके पास अगर स्टैंड है तो वो भी रख सकते हैं। और इसके ऊपर अब हम रख देंगे अपना पिज़्ज़ा बेक होने के लिए, और अब हम इसका लिड लगा देंगे, और इसको हम बेक करेंगे 15 से 20 मिनट के लिए लो फ्लेम पर। बीच में आप इसको चेक भी कर सकते हैं, अगर पिज़्ज़ा अच्छे से बेक ना हुआ हो तो इसको 5 मिनट और बेक कर सकते हैं। तो दोस्तों 15 मिनट हो चुके हैं, ये देखिए हमारा जो पिज़्ज़ा है ना, ये अच्छे से बेक हो गया। ये देखिए चीज़ भी अच्छे से मेल्ट हो गया, और कितना बढ़िया सा कलर आ गया है, बनकर तैयार हुआ है। और ये देखिए इसका जो क्रस्ट है ना, वो उसको मैं दबा रही हूँ तो वो बाउंस बैक हो रहा है। यही इसकी पहचान होती है कि जो हमारा क्रस्ट है वो अच्छे से पक चुका है, पिज़्ज़ा का बेस है जो अच्छे से पक चुका है। तो अब हम इसको कुकर से निकालेंगे इस तरीके से, और अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा और बटर लगा देंगे ताकि जो क्रस्ट है वो सॉफ्ट बना रहे। और अब हम इसको कट करके सर्व करेंगे।
तो ये देखिए कितना सॉफ्ट और एकदम बेहतरीन पिज़्ज़ा बनकर तैयार हुआ है। तो ऐसे अगर आप पिज़्ज़ा बनाएंगे ना, तो आपको मार्केट से लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मार्केट का पिज़्ज़ा आप भूल जाएंगे, घर पे इतनी आसानी से ये पिज़्ज़ा बन जाता है। और आपने देखा कि बिना ओवन के बहुत ही आसानी से हमने ये पिज़्ज़ा बनाया है। और पिज़्ज़ा के ऊपर मैंने पिज़्ज़ा सीजनिंग ऐड कर दी है और चिली फ्लेक्स ऐड कर दिए हैं। और ये लीजिए हमारा जो पिज़्ज़ा है ये तैयार है, बहुत ही बढ़िया एकदम डिलीशियस पिज़्ज़ा बनकर तैयार हुआ है। तो इस तरीके से पिज़्ज़ा आप भी बनाइए अपने घर पर और अपनों के साथ एंजॉय कीजिए। तो है ना दोस्तों, बहुत ही कमाल की रेसिपी, बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में और हेल्दी तरीके से आप ये पिज़्ज़ा घर पे आसानी से बना सकते हैं। कि कितने अच्छे से चीज़ हमारा मेल्ट हुआ है और एकदम सॉफ्ट क्रस्ट बनकर तैयार हुआ है। और आप इसकी बैक साइड में भी आपको दिखाती हूँ, ये देखिए कितने अच्छे से ये बेक हुआ है, बहुत ही बढ़िया सा ब्राउन कलर आया है, बिना मैदे के बहुत ही बढ़िया पिज़्ज़ा बनकर तैयार हुआ है। तो आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिए और अपने फीडबैक मुझे देना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों मिलते हैं एक ऐसी ही आसान इंटरेस्टिंग सी रेसिपी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।